भाई बहादुर भैया, तुम्हें काम करो, कल मत आओ। कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है, कल हमारी पत्नी आ रही है, कल आप मत आइए। और आइए तो कुछ ऐसा कर करा के आइए, कुछ मूड सही नहीं, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। यकीन भाई, हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए। और जो भरोसा टूटा है आपका, नहीं आप तो कोशिश ये करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए, बात समझिए आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप हमारे आप मार भी दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप ना पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। मार वो सच्ची आसान चीज है ना, ये सब बात ना करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे हैं। हम तुम्हारी अम्मा अब्बा कुल को थोड़ी लंघई कर देंगे, तो हम चक्कर में कहा हो, बात समझे। सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपकी आपके परिवार की भलाई है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, देवरिया जेल में डीएमएसपी का छापा, देर रात तक हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, अतीक अहमद के बैरक में गहन छानबीन, जेल के अंदर से भी आतंक का पर्याय बने माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों द्वारा कारोबारी के पचाई के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद रात में कई घंटे तक डीएमएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान माफिया अतीक अहमद के बैरक की भी गहनता से जांच की गई। देवरिया जेलर ने अतीक को दिया क्लीन चिट, अतीक ने जेल में नहीं की किसी से मारपीट, पीड़ित कारोबारी से नहीं हुई मारपीट, जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों से हुई है छेड़छाड़। यह बात बिल्कुल झूठी है। हमारी जेल में वो मोहित जायसवाल जो है मिलने आए, उनसे मिले, मिल करके गए, मुलाकात नियमानुसार कराई गई, न जाते समय न आते समय। उन्होंने मारपीट की कोई शिकायत हमसे नहीं की, न हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी से की कि हमको मारा गया। सर, तो सुना आपने, जेलर साहब सीधे सीधे अतीक अहमद को क्लीन चिट दे रहे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि पीड़ित कारोबारी अतीक से मिलने तो आया था, लेकिन उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई और उसने किसी से शिकायत भी नहीं की। लेकिन जेलर साहब को कौन बताए कि साहब आपकी बातें इतनी सच्ची और आप इतने पाक साफ होते तो जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने की नौबत ही ना आती। जेल का निरीक्षण मेरे और एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के द्वारा, उसके अतिरिक्त हम लोग भी आते रहते हैं निरंतर, ये है। लेकिन अखबारों के माध्यम से आज एक जानकारी हुई है और एक संवेदनशील प्रकरण था, उसी क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स और सारे बैरिक्स की तलाशी की गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण इशू है कि जो कुछ सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, उसको हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी वो जेल से ही मुंबई के कारोबारी को जेल के भीतर से ही धमकी वाला फोन करवा चुके हैं और खुद कर भी चुके हैं। और अब कारोबारी को जेल में अपने पास बुलाकर पिटाई से ये साफ हो गया है कि यूपी की जेलों में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, खासकर अतीत जैसे माफियाओं के लिए जेल अभी भी ऐशगाह बनी हुई है। मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए अब आगे बढ़े और खबर प्रयागराज से है। गाजीपुर में हुई सिपाही की हत्या का मामला है। सिपाही सुरेश